गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं मैथ्स की क्लास। और कुछ चीज़ें हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया। अभी एक स्टूडेंट का एक डाउट है, उसको मैं पहले ले लेता हूँ, फिर इसके बाद हम अपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, शेष काम सी 13 दिन में कर लेता है। ठीक है, कुछ यही क्वेश्चन था। शेष काम सी 13 दिन में कर लेता है, तो आपको बताना है क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए अकेला, अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मैं क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता बुक में क्या था, स्टूडेंट ने क्या पूछा, या आपसे एग्जाम में कोई क्या पूछेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन की क्या हैसियत है, आपसे क्वेश्चन कितना उलझा सकता है, मैं उस पर बात करूँगा। ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, अरे कुछ भी पूछे ना। ए बी बी सी दे दिया है मैंने, मैं कह सकता हूँ ए प्लस सी मिलकर, मैं कह सकता हूँ तीनों मिलकर, अरे कुछ भी पूछ ले, पूछो ना क्वेश्चन जो भी पूछना चाहे। 1 2 3 4 5 सवाल इससे बन सकते हैं। स्टूडेंट ने तो मेरे से एक ही पूछा है, मैं 5 के 5 बताऊंगा। ये होना चाहिए आपका लेवल चीज़ों को समझने का, यानी कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जितने भी लोग मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख रहे हैं, वो एक बार ये देखने के लिए कि आप कितनी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, RS अग्रवाल के ऐसे क्वेश्चन को जरूर गौर करें। आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप किस जगह पर पढ़ रहे हैं और आप क्या चीज़ सीख रहे हैं। मैंने कहा ए प्लस बी और बी प्लस सी 12 दिन और 16 दिन टोटल वर्क, मैं मान लेता हूँ 48, इसकी इफिशेंसी 3 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगी। फिर मैंने कहा कि ए अगर 5 दिन काम करता है, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, समझिएगा बात को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पिछली क्लास में भी मैंने इसको बताया है, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स को समझ में ना आया हो। मैंने कहा ए अगर 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे, दो लोग हैं, दो भाई हैं, दो भाई, एक 5 किलोमीटर चलकर जाता है और दूसरा 7 किलोमीटर चलकर जाता है। अरे बोलो 5 किलोमीटर तो दोनों साथ में गए होंगे। मैंने कहा बी, ए और बी का 5 मान लेता हूँ, और जो बी है सी 13 जाता है, और फिर अब सी 13 जाता है, यानी कि सी यहाँ से गया होगा, ए और बी 5 किलोमीटर तक गए, अभी तो बी अकेला, ए ने इसका साथ छोड़ दिया, 2 दिन इसके पास बचे, सी बोला भाई मैं 2 दिन तेरे साथ चल लेता हूँ, चल। ठीक है, बात को समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, क्या दोनों 5 दिन तो साथ रहे होंगे, अब बी अकेला है, लेकिन बी अभी भी अकेला नहीं है, 2 दिन तो उसके साथ सी बोलेगा चलो ऐसा कर लेते हैं, कल से तो मुझे अकेले 2 दिन बाद हो ही जाना है, 2 दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, लो 2 दिन ये हो गया। अब सी का अलग से बचा कितना, सी अकेला रहेगा 11 दिन। कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा। फिर इसके बाद मैंने कहा कि ए और बी अगर दोनों मिलकर 5 दिन रहे, तो मैंने कहा ए और बी 5 दिन रहे, 4 यूनिट दोनों की कॉमन इफिशेंसी मिलकर है, यानी कि दोनों मिलकर 20 यूनिट काम कर लिए, बी और सी 2 दिन साथ काम करते हैं, बी और सी की अकेली इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट, यानी कि 2 दिन इन्होंने काम किया, और 3 यूनिट इफिशियंसी के साथ यानी कि 6 यूनिट काम कर लिए। अब ए और बी के जाने के बाद काम बचा होगा, ये 26 यूनिट हो गया, 24 यूनिट काम, सॉरी 26 हो गया, और अब बचा है 22 यूनिट काम। ठीक है, अब ये जो 22 यूनिट काम आपका बचा है, कितना बचा, 22 यूनिट। अब इस 22 यूनिट को करने के लिए केवल सी बचा, और सी ने 2 दिन तो इसके साथ कर लिया, 13 दिन उसको करना था,
13 दिन उसको करना था, लेकिन अब उसके पास 11 दिन बचे, और 11 दिन करने के लिए उसकी इफिशियंसी सी की कितनी होगी, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखा। अब मैं आपसे ये चीजें मिटा दूं, अब आपसे मैं पूछूं कि अगर सी की बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 यूनिट हो और आपसे ये बता दिया जाए कि भाई सी की 2 यूनिट है, तो आप बोल सकते हैं कि सर बी की तो 1 होगी, और अगर बी की 1 मैं यहां पर बोलूं, दोनों की 4 है, तो ए की 3 होगी। अरे ए कितने दिन में काम करेगा, आप बोलोगे 48/3। बी कितने दिन में काम करेगा, आपसे क्या पूछा है, बी कितने दिन में काम करेगा, तो 48। और सी की इफिशियंसी यहां से आपने देखा कितना है, 2 यूनिट, यानी कि सी काम करेगा 48/2। बी कितने दिन में काम करेगा, 48/1। इनकी इफिशियंसी अलग अलग आपने निकाल लिया। अब आपसे अगर पूछा जाए तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की इफिशियंसी 1, 3 और 2, 3, 2, 5, 1, 6, 48/6। कुछ भी आपसे पूछे, सबसे पहला काम हमने क्या किया, इफिशियंसी निकाला, फिर देखा कि ए 5 दिन रहता है, बी 7 दिन रहता है, अरे 5 दिन तो ए के साथ रहेगा, यानी कि ए के साथ की इफिशियंसी 4 यूनिट है, मैंने 5 दिन दोनों को साथ में काम करवाया, 20 यूनिट हो गया। अभी बी और 2 दिन काम करेगा, ए चला गया, लेकिन मुझे बी की अकेली इफिशियंसी तो नहीं पता कि मैं उसका 2 दिन का काम बता दूं, लेकिन सी के साथ तो पता है कि वो 3 यूनिट काम करता है। 2 दिन सी और बी मिलकर काम किए, यानी कि सी ने कुल 13 दिन काम किए, सी ने कुल 13 दिन काम किए, लेकिन 2 दिन वो बी के साथ शामिल हो जाता है, तो 2 दिन इसका यहाँ पर 3 × 2 = 6 यूनिट काम हो गया। अब सी के पास 11 यूनिट काम बच 11 दिन बचे और काम 22 यूनिट बचा, यानी कि सी की इफिशियंसी 2 यूनिट। जब सी की 2 यूनिट है और बी और सी की 3 है, तो बी की 1, अगर बी की 1 है तो ए और बी की 4 है, यानी कि सी की ए की कितनी, 3, 48/3। ए का काम इतने दिन में, सी का काम, बी का काम, तीनों मिलकर काम इतने दिन में करेंगे, इफिशियंसी से डिवाइड कर देना आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी थोड़ा सा सीरियस नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि जब वैकेंसी आएगी तब कोई ऐसा चूर्ण या कोई ऐसी वैक्सीन ढूंढ लेंगे जब हमारा काम, बहुत सारे उलझन, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें हमें परेशान करके रख देती हैं जब हम ये नहीं समझ पाते। मार्केट में हर तरह का पैम्पलेट बटेगा, कोई बोलेगा यहाँ की बुक, कोई बोलेगा इस बुकलेट से, कोई बोलेगा प्रीवियस ईयर पेपर, कोई बोलेगा टेक्स्ट सीरीज, बेटा कन्फ्यूज हो जाओगे और फिर लगेगा नेक्स्ट में कर लेंगे, अब तो हम कर ही नहीं सकते, समय नहीं रहा है। अभी से स्टार्ट करो और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान रखो। जिन स्टूडेंट्स ने अभी मैं जिनने अच्छे ये जो क्वेश्चन पूछा, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, मैं देखता हूं कि उनके पास वो इतने बिजी हैं कि उनसे मुझे पूछना पड़ता है, बेटा आपसे सब बन रहा है, ठीक है, स्टूडेंट को कोई फिक्र नहीं है कि अगर नहीं बन रहा तो इस व्यक्ति से पूछ लें। और बहुत अच्छी बात तो ये है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स की बहुत शानदार नोट्स बनाए हैं, दिन भर उसे ही पलट कर, और मैथ्स में अगर पेपर में कुछ कर लेने की हिम्मत आती है तो मेरी नोट्स की वजह से उनके अंदर आती है। लेकिन किसी ने बोला है कि राजीव सर की वीडियो में कमेंट मत करना, पता ना चले कि तुम उनको देखते हो, सक्सेस नहीं पाओगे बेटा, कितना भी पढ़ लो तुम, मेरी नोट्स नहीं, मुझे भी बैठा लो घर में। टीचर का सम्मान देखिए, किस गुरु माना नहीं जाता, मैं थोड़ा सा अगर बताऊं, गुरु कभी माना नहीं जाता, अंदर से दिल जवाब दे देता है भाई ये है। मानने वाली परंपरा तो वो सिर्फ कथा पूजन में होती है कि इसको बना लेते हैं, जब बात पढ़ने की होती है। और दूसरी बात, जिस स्टूडेंट ने एक बार मैथ्स यहाँ से पढ़ लिया है वो किसी टीचर को भी स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे से ऐसे जुड़े थे कि जैसे एक कोरा कागज, उस पर मैंने कलर भरने का काम किया, एक अच्छी ड्राइंग बनाने का काम किया, आप मेरे से अधूरे में छोड़कर किसी और दुनिया में जा रहे हो, किसी की कोई ऐसा बोले कि ये चूरन ऐसा है, खा लो भैया 170 पार, वो उसी पेपर के ऊपर, क्योंकि आप मेरे भी नोट्स देख रहे हो, मेरे कंटेंट को पढ़ रहे हो, मुझे भी सुन रहे हो, और उसी पेपर के ऊपर अपनी पेंटिंग कोई और बना रहा है, भैया क्या हो गया, लीपा पोती अनर्थ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, तब बता रहा हूँ कि आप एक टीचर से क्या नफरत करोगे,
मुझे पता है कि नफरत करोगे भी सिलेक्शन लेने के बाद दिल जवाब देगा भैया वजह तो यही है, और बोल भी नहीं पाओगे कि सर आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये एजुकेशन है, अगर किसी के प्रति आपका रिस्पेक्ट, आपको ये लग रहा है कि मेरी सक्सेस का रास्ता इस व्यक्ति के होने साथ रहने से गुजर रहा है, तो दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन मुझे क्या कहता है। ये अपने कैरियर का सवाल है, अपनी लाइफ का सवाल है। जिस दिन फेल हो जाओगे ना, तो वो टीचर आंसू पोंछने नहीं आएगा जो तुम्हें ये बोल रहा हो कि राजीव को देख लेना और उस पर कमेंट मत करना, पता नहीं चलना चाहिए। या किसी टीचर से आप डर रहे हो कि उनको ना पता चले कि आप राजीव सर से जुड़े हो, हद करते हो यार, हैं। चलो शुरुआत करते हैं टाइप थ्री की। बहुत खतरनाक स्टूडेंट मिलते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा कि जैसे कुछ पार्ट्स में काम हो गया हो, और फिर इसके बाद मैं पिछली क्लास मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है, और मैंने आपसे एक बात कहा कि जितनी बार आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, ये हर बार नया कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आएगा। मैंने पिछली बार किसी क्वेश्चन को किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से करवाया था, अब उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आ रहा हूँ कि पेन ना पकड़नी पड़े। क्वेश्चन लिखो जरा। एक ठेकेदार ने 40 दिन में काम करने का एक निर्णय लिया। एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनवाने का निर्णय लिया, और इस कार्य के लिए उसने 25 लोगों को काम पर लगाया। 40 दिन में, पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, 40 दिन में काम करने का निर्णय लिया, 25 लोगों को काम पर लगाया, चौबीस दिन बाद उसने देखा, या 24 दिन बाद उसने पाया कि कुल काम का 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है। कुल काम का 24 दिन बाद उसने देखा कि 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपकी पेपर में दिख जाए तो हालत खराब करने के लिए अकेले काफी होता है। पूरा हो पाया, 24 दिन में देखा कि उसने 1/3 भाग काम पूरा हो पाया है। काम को 4 दिन पहले खत्म करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। लगाइए। एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक काम करने का निर्णय लिया, 25 लोगों को उसने काम पर लगाया, 24 दिन बाद वह देखता है कि अभी तो 1/3 भाग ही काम पूरा हो पाया है, और अगर उसे 4 दिन पहले, यानी कि जो टारगेट उसने दिया था, यानी कि 40 दिन का टारगेट दिया, उससे 4 दिन पहले अगर उसे काम खत्म करना है, यानी कि 36 दिन में करना है, तो कितने अन्य लोगों को और काम पर लगाना होगा। ठीक है चलिए। अब तक आपने ये किया होगा, 40 दिन में उसको काम करना है, यानी कि 25 और 24 दिन अगर मैं बोलूं तो 1/3 काम हो पाया है, और अभी कितने लोगों को और लगाए, तो 25 प्लस कितने लोग और आए ये मुझे नहीं पता, और लेकिन ये पता है कि काम के लिए अगर 24 दिन यहाँ पर लग गए, तो अब 12 दिन यहाँ पर उसके पास और बचे, और इस काम को 2/3 हिस्सा भी काम का बचा है। ये बात हो गई कि पूरा काम, ये बात हो गई पूरा काम, यानी कि आपको ये समझना है कि 25 लोग 24 दिन काम किए तो 1/3 हुआ, 25 लोग और उसके साथ कुछ लोग और आए, इसको अपन कितने लोग की जगह मैं बोलूं कि यन, यानी कि इतने पुरुष और आएंगे या इतने लेबर और आएंगे, और फिर इसके बाद मैंने कहा कि 12 दिन ही बचे हैं, काम 2/3 बचा है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि भैया हम तो मैथमेटिशियन नहीं हैं, और हमारा जो कंपटीशन पूछता है हमसे, पहले भी मैंने बोला कि प्लेइंग विथ नंबर्स है। मैं क्यों इस तरह के कॉन्सेप्ट में आपको उलझाऊं, मैं खुद समझ रहा था कि ये चीज़ें मैंने आपको बताया है लेकिन इससे भी आसान कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ें आप देखिए, इसको तो आप कर लेंगे,
यहाँ से आपने ये कट किया और फिर इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको समझना क्या है, 40 दिन में काम खत्म करने के लिए 25 लोगों को काम पर लगाया गया। आप समझिए कि अगर 25 लोग, ये कॉन्सेप्ट अब आपको सीखना है, ये आप निकाल लेंगे एन की वैल्यू, 25 लोगों को काम पर लगाया गया और 24 दिन उन्होंने काम किया, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 600 यूनिट तो काम हो चुका है। अब देखिएगा, मैं जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ मैं उसी पर बात करूँगा, मैं कोई फार्मूला अब नहीं बनाऊँगा कि इसका मल्टीप्लाई इसका बट। मैंने कहा कि अगर 25 लोगों ने काम किया और 24 दिन काम किया, 600 यूनिट काम हो गया। अरे बोलो 600 यूनिट तो 1/3 भाग है, उसने बताया है कि 25 × 24 1/3 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3/1 तो पूरा काम होगा। बोलो 1800 यूनिट पूरा काम हुआ कि नहीं, और 1800 यूनिट अगर पूरा काम है तो 600 यूनिट काम हो गया, बोलो 1200 यूनिट बचा, और 1200 यूनिट काम करने के लिए अब उसके पास दिन बचे हैं कितने, 12, 24 दिन यहाँ पर लग गए, 36 दिन में उसको काम करना था, 12 दिन बचे, बोलो 100 लोग और चाहिए, 100 लोग उसको टोटल चाहिए, 25 उसके पास ऑलरेडी थे, अब उसको 75 और चाहिए। बेटा इससे शानदार तरीका ना है और ना आपने कभी पढ़ा होगा। एक बार समझ लो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन देखो तो आप उलझ जाओगे। मैंने आपसे क्या बताया कि सीधी सी बात, आपने ये तो सीखा कि 25 × 24 1/3 होगी, अरे 25 × बोलो 600 वैल्यू किसकी, आप कहोगे 1 की, मैंने कहा पूरा कितना, बोलो 3 की, 1800 बोलो टोटल वर्क हुआ, 600 तो हो गया, 1200 बचा, 1200 करने के लिए 12 दिन बचे, 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 25 हमारे पास पहले से थे, 75 और, इतनी स्पीड से आंसर देना है, ठीक है, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। चलिए लिखिए इसको, दोनों तरह से लिखिएगा, आप जो मैंने बताया 25 × 24 1/3 और इक्वल में करिएगा 25 + n × 12 डिवाइड बाई 2/3, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में लाजवाब और शानदार तरीका है। फिर आगे बढ़ते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन में लागू होगा, किसी भी क्वेश्चन में आप लगा देना, ठीक है। इसी तरह के और एक दो क्वेश्चन में लेता हूँ, पहले आप इसको लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से मैं लिखता हूँ, आप उसको भी बनाने की कोशिश करें। एक ठेकेदार ने, क्वेश्चन लिखते जाइए, 90 दिन में एक काम करने का निर्णय लिया, वह 60 लोगों को काम पर लगाता है, 60 दिन बाद वह देखता है कि काम 3/4 हो गया है, समय पर काम पूरा करने के लिए, ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, समय पर काम खत्म करने के लिए उसे कितने लोगों को काम से, यहाँ पर आवश्यकता कितने लोगों की और आवश्यकता नहीं, कितने लोगों को हटाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, 90 दिन में काम करने के लिए एक कोई व्यक्ति है जो निर्णय लेता है और उसने 60 लोगों को काम पर लगाया, 60 दिन बाद उसने देखा कि काम तो अभी 3/4 ही हुआ है, फिर उसके बाद उसने कहा कि काम समय पर पूरा हो जाए उसके लिए कितने लोगों को और हटाना चाहिए, कोशिश करें। देखिए, एक तो मैं अपना तरीका जो है, मैंने कहा भाई 60 लोग हैं, 60 दिन काम किए, बोलो 3600 यूनिट तो 3/4 है, अरे 4/3 कर दूंगा तो मुझे पूरा काम मिल गया, ये एक तरीका है। जैसे ही मैंने किया 1200 × 4800 यूनिट तो ये पूरा काम हो गया, और 3600 है अभी काम बचा, 1200 यूनिट काम करने के लिए मेरे पास दिन कितने बचे, बोलो 30, और अगर 30 दिन मेरे पास बचे हैं तो मुझे काम करने के लिए कितने चाहिए, 40 लोगों की जरूरत है, और मेरे पास है कितने, 60, 20 को हटा दूंगा। ये तो हो गया आपका शानदार तरीका, पेन नहीं पकड़नी पड़ेगी, ठीक है, इससे आसान कोई बुक कोई टीचर इम्पॉसिबल। क्या मैंने किया, एक बार मैं मिटाकर फिर से करता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके जो आपने अब तक सीखा होगा, और जनरल जो मेथड जो होती है अगर एक्स मानकर किया जाए तो आपकी बुक में है, उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं खड़ा।
मैंने कहा 60 काम, 60 लोगों ने 60 दिन काम किया, बोलो ठीक है 3600 यूनिट काम हो गया। 3600 यूनिट काम को उसने कहा कि ये तो 3/4 है। मैंने कहा पूरा काम अगर x है और काम का 3/4 अगर 3600 है तो काम कितना होगा, तो आप बोलोगे 3600/4/3 यानी कि 4800 यूनिट काम हुआ। 4800 में आपने 3600 कर लिया, बोलो 1200 बचा, और 1200 काम को करने के लिए आपके पास उसने बोला कि काम समय पर खत्म हो, 60 दिन हो गया 30 दिन और बचे। अगर 1200 यूनिट को 30 दिन में खत्म करना है तो 40 लोगों की जरूरत पड़ी, मेरे पास 60 थे, मैं 20 को बाहर कर दूंगा, तब ये इस कंडीशन में काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका तरीका क्या कहता है? आपका तरीका ये कहता है कि 60 × 60 3/4 इक्वल कर दो, 60 लोग थे माइनस कर दो इतने लोगों को, काम बचा 30 दिन का 1/4, ऐसे भी आप करके जरा निकालना, ये भी आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब तक हम यही तरीका अपनाते थे लेकिन ये सबसे शानदार। ठीक है, इसको भी लिखें फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 5 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए, सॉरी 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूरों को लगाया गया। 80 दिन बाद पता चलता है कि सड़क 3.5 किलोमीटर ही बनी है, काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन एक बार मैं बोल देता हूँ कि 5 किलोमीटर सड़क 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, 80 दिन बाद 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है, काम समय पर पूरा हो, कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत होगी। लगाइए, क्वेश्चन ये है कि 5 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 100 दिनों में 280 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। ठेकेदार ने देखा कि 80 दिन बाद 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है, काम समय पर पूरा हो, कितने और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन तो ये है, करने का जो तरीका है, 280 मजदूर थे, 80 दिन इन्होंने काम किया, सड़क बनी 3.5 यानी कि 3 × 6 और 7/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 3.5। फिर मैंने कहा कि अब आपको 280 मजदूरों के साथ कुछ और मजदूर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन काम आपको 20 दिन में करना है और अब आपका काम बचा है कितना, 1.5। इसको भी आप कर सकते हैं, आपको ये वैल्यू मिलेगी, यही उत्तर होगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करवाने से ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। आप क्या बोलेंगे कि भाई 80 दिन का काम 280 मजदूरों ने किया होगा। ठीक है, ये आपके लिए आसान होगा, 80 दिन 280 मजदूरों ने काम किया होगा, 280 मजदूर 80 दिन काम किए, बोलो टोटल इतने 80 दिन में जो काम हुआ होगा कितना हुआ, 8×8=64 और 8×2=16, 6×22, 22,400 काम हुआ। लेकिन इस काम को उसने कहा कि ये तो 3.5 किलोमीटर, अब इस 3.5 किलोमीटर को समझने वाला अगर कोई होगा तो बोलेगा 3.5:5 की बात हो रही है, मैं बोलूँगा मुझे तो ये मज़ा नहीं आया, मैं इसको 7:10 लिखूंगा, अरे बोलो वैल्यू 7 की मुझे चाहिए 10 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। 7 का चाहिए 7×21, 7×2=14, 3200 यानी कि 32,000 टोटल वर्क होगा। ठीक है, और टोटल वर्क में से आपने 22,400 तो कर लिया है, यानी कि 9,600 अभी बचा है, और 9,600 काम करने के लिए कितना, 9,600 यूनिट काम करने के लिए मेरे पास दिन कितने बचे हैं, 100 दिन में से 20 दिन,
20 दिन बचे हैं, मैं बोलूंगा 480 कुल लोग चाहिए, 480 में से 280 तो हैं, बोलो 200 और लोगों को जरूरत पड़ेगी। बेटा इससे आसान तरीका नहीं होगा, लिख लो इसको भी। क्या किया मैंने, एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने कहा कि 280 मजदूर 80 दिन काम करेंगे, टोटल दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिल जाएगा काम कि 80 दिन में कितना काम हुआ। 80 दिन के काम को उसने कहा कि ये तो 10 में से 7 काम हुआ, यानी कि अगर 5 में से 3.5 तो मुझे ये डेसिमल थोड़ा सा खतरनाक लगा। मैंने कहा इसको मैं 7 बोलूंगा, इसको 10 बोलूंगा, बात एक ही लिखी है। अब मैं कह सकता हूँ ये तो वैल्यू 7 की होगी क्योंकि ये 3.5 की है, मुझे चाहिए टोटल वर्क बताओ, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई 22,400 वैल्यू 7 की चाहिए 10 की, टोटल वर्क 32,000 में से ये काम तो इतने दिन में हो चुका है, टोटल वर्क बचा 9,600 और उस 9,600 वर्क को करने के लिए 20 दिन अभी टाइम है, और 20 दिन में काम करने के लिए 480 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 480 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 280 तो मेरे पास है, 200 लोग और लगा लूंगा, यही सवाल का उत्तर है। तो इतना आसान, मतलब कि पेन थोड़ा सा उठानी पड़ेगी यहां पर और इतना, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक दो और ऐसे सवाल लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, आपको किसी बुक के पीछे नहीं भागना पड़े और किसी बुक में एक सीक्वेंस में ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, 28 पुरुष 7/8 काम को एक सप्ताह में कर लेते हैं, 28 पुरुष किसी काम के 7/8 भाग को एक सप्ताह में कर लेते हैं, बचे हुए काम को एक सप्ताह में करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। अट्ठाईस लोगों ने क्या बोला मैंने, 28 पुरुष 7/8 काम, यानी कि 28 पुरुष 7/8 काम एक हफ्ता यानी कि 7 दिन, एक सप्ताह 7 दिन में कर लेते हैं, बचा हुआ काम एक हफ्ते यानी कि 7 दिन में हो, कितने लोग चाहिए, बस इतना सा क्वेश्चन है। मैंने कहा 28 पुरुष 7 दिन काम किए, 7×8=56, 7×2=14, 5×19 196 यूनिट कुल काम हुआ 7 दिन में, लेकिन ये काम कितना है, 7/8 है इस काम का, अगर मुझे पूरा चाहिए ये वैल्यू 7/8 का मतलब ये होता है कि आपको ये 7 की वैल्यू है, आपको चाहिए 8 की, तो आपका टोटल वर्क मिलेगा 7×2=14, 7×8=56, 8×8=64, 8×16=6, 224 यूनिट आपका टोटल वर्क है, और 224 में आपने 196 यूनिट तो कर लिया, आपके पास 8 और ये 28 यूनिट काम बचा, और 28 यूनिट काम 7 दिन में करना है, बोलो 4 लोगों की जरूरत है। बातों बातों में ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे, और बाकी लोग क्या करेंगे, भाई 28 पुरुष आए, 7 दिन काम किया, 7/8 काम हो गया, अब इसके बाद कितने पुरुष की जरूरत पड़ेगी ताकि हम काम को 7 दिन में कर सकें 1/8, और फिर कुछ लोग एक्स का मान यहां से निकाल लेंगे, फर्क होगा बेटा आप में और इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट का कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, मुझे पता होना चाहिए कि आप मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अदरवाइज जो वीडियो अनलिस्टेड होता है उसमें पता चल जाता है सर ये वाली क्लास कहाँ मिलेगी, अरे बेटा तुमसे बहुत तेज हूँ। ठीक है, मुझे पता है ना कि तुम कहाँ पर फंसोगे, पढ़ लेंगे, लेकिन जब एक वीडियो नहीं मिलेगा तब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसमें कमेंट में नहीं करेंगे सर अगली क्लास कहाँ है, व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए, 60 लोग 250 दिनों में किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं, 60 लोग 250 दिनों में किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं, वो 200 दिन साथ में काम करते हैं,
60 लोग 250 दिनों में कोई काम करने का निर्णय लेते हैं, वे लोग 200 दिन तक साथ में काम किए, 10 दिन इसके बाद 10 दिन मौसम खराब रहा, 10 दिन मौसम खराब रहा, फिर भी काम समय पर पूरा हो जाए, समय पर पूरा हो जाए, कितने लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोगों को और काम पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 60 लोग 250 दिनों में काम करने का निर्णय लेते हैं, 200 दिन तक सभी लोगों ने साथ में काम किया, फिर बारिश होना स्टार्ट हुई, 10 दिन काम रुका रह गया, फिर इसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें तो काम टारगेट जो टाइम था उसके अंदर करना है, लोगों को हम और अधिक लगा सकते हैं, तब हमें ये बताना है कि काम में कितने और अन्य लोगों को लगाना पड़ा होगा। आपके लिए कोई सवाल है? मैंने कहा 60 गुणे 250 यूनिट काम तो टोटल वर्क होगा, ऐसे ही लिखना है आपको, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ये आपको टोटल यूनिट होगा। हमने कहा 60 और 200 तो आपने कर लिया, यानी कि आपके पास काम जो बचा होगा 60 गुणे 50 ही बचा होगा, यानी कि 60 गुणे ऐसे लिखा जाए अगर 200 प्लस 50 तो 60 गुणे 200 तो आपने कर लिया, 60 गुणे 50 आपको बचा, यानी कि 3000 यूनिट काम अभी भी आपका बचा है। 10 दिन मौसम खराब हो गया, अब आपके पास 40 दिन बचे और उस 40 दिन में ही आपको इस 3000 यूनिट को काम खत्म करना है, तो आप बोलोगे 4 × 375 यूनिट, 75 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब 75 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 60 तो आपके पास पहले से हैं, 75 आपको चाहिए, 15 और लगा लो, 15 और अन्य लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इसी टाइप को हम लोगों ने डिस्कशन किया, बाकी अगली क्लास में मैं एक और अच्छे नेक्स्ट टाइप पे अच्छे क्वेश्चन, मतलब कि आपको जैसे जिन लोगों ने ये कहा ग्रुप में कि हमने पूरा टाइम एंड वर्क कर लिया है, उनके साथ मैं अभी रूबरू हूँगा और देखूँगा कि आपने कितना बेहतरीन तरीके से किया है। हाँ कह देने से बात नहीं बनती, मुझे पता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ और आपका क्या लेवल है, ठीक है, और आप कहाँ पर फंसोगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।